होली हमारे चिड़ियाघर में हमेशा ही बहुत प्यार से मनाई जाती है और इस बार भी घर के बिल्कुल बाहर यू नो पूरा जमावड़ा है, हमारी पूरी सोसाइटी यहाँ पर मौजूद है एंड वी आर प्लेइंग इट लाइक जैसे आप अपनी रियल होली खेलते हो तो उसी तरह से होली खेल रहे हैं और बहुत मज़ा आ रहा है. आप देख सकते हैं मैं ऊपर से लेकर नीचे तक पूरी रंगों में सराबोर हूँ तो डेफिनेटली मुझे बहुत मज़ा आता है. होली इज़ ऑल अबाउट कलर्स और कलर्स से मुझे बहुत ज़्यादा प्यार है. तो एक्चुअली हाँ क्या होता है कि हम जो नई स्टोरी कर रहे हैं इट इज़ अबाउट विमेन इमेंसिपेशन या औरतों के अधिकार, औरतों के राइट्स या उनको प्रोटेक्शन किस तरह से मिलनी चाहिए सोसाइटी में या उनके जो वर्किंग वुमेन है, वर्किंग क्लास वाली वुमेन है उनके लिए लोगों का नज़रिया क्या होता है, इस पर पूरी कहानी है हमारी. एक्चुअली मेरे हस्बैंड का सस्पेंशन हो जाता है और उसके कारण मुझे जॉब करनी पड़ती है, यानी कि कोयल को जॉब करनी पड़ती है. और जब मैं बाहर निकलती हूँ तो पहले तो मुझे जॉब नहीं मिलती. लोग कहते हैं कि ये हाउसवाइफ है और हाउसवाइफ क्या काम कर पाएगी. बाद में जब ये बैरियर टूटता है और लोगों को समझ में आता है कि इसकी क्वालिफिकेशंस अच्छी हैं, एमकॉम है, टॉपर रह चुकी है अपनी क्लास में, गोल्ड मेडलिस्ट है, तो मुझे एक जॉब मिल जाती है और मैं वहाँ जॉब करने जाने वाली हूँ. जो मेरा बॉस है वो ओवरटली स्वीट है, बहुत स्वीट है और मैं उसकी तारीफ भी अपने घर में करती हूँ, लेकिन बाद में पता चलता है कि उसकी कुछ और ही मंशा है और वो उसके इरादे बहुत गलत हैं मुझे लेकर. तो अभी हम जब ये जो सीक्वेंस हमने किया वो होली का सीक्वेंस है जहाँ पर मेरी पूरी फैमिली, हम लोग सब खेल रहे हैं और हमारी सोसाइटी के भी लोग हैं और इस बीच में मेरा बॉस जो मतलब जिससे मैं सिर्फ एक बार मिली हूँ वो मेरे साथ होली खेलने आ जाते हैं. इसी एक छोटी चीज़ से पता चलता है कि आप इतनी जल्दी किसी के साथ इतने फ्रैंक कैसे हो सकते हैं. यहाँ से शुरुआत होती है स्टोरी की और आगे जाकर हम देखेंगे कि क्या क्या होगा कोयल की लाइफ में, कोयल को किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और कैसे वो फिर मुश्किलों से निकलेगी. फैंस को मैं कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा त्यौहार है, बहुत ही प्यारा सा त्यौहार है. आप अपनी फैमिली के साथ होली मनाइए, अपने फ्रेंड्स के साथ होली मनाइए, लेकिन हमेशा याद रखिए कि किसी और को कोई तकलीफ ना हो आपकी वजह से. स्पेशली गाइस, ऑल द बॉयज़, ऑल द गाइस, आई वुड लाइक टू टेल यू कि जब आप लड़कियों के साथ होली खेलते हैं तो थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखिए कि उन्हें जो चीज़ अच्छी नहीं लगती है आप उनके साथ वो प्लीज़ मत करिएगा. प्ले अ डिसेंट होली, प्ले केयरफुल रिस्पॉन्सिबल होली और इस त्यौहार को अच्छी तरीके से इंजॉय कीजिए. हैप्पी होली. थैंक यू.